हिमाचल प्रदेश में मचे सियासी घमासान के बाद कांग्रेस पार्टी के पर्यवेक्षक डीके शिवकुमार व भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षा प्रतिभा सिंह ने संयुक्त पत्रकार वार्ता में कहा कि कांग्रेस सरकार 5 साल तक रहेगी और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार व संगठन के मध्य समन्वय के लिए 6 सदस्यीय समन्वय समिति बनाई जाएगी। इसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सहित अन्य सदस्य होंगे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में जीत के लिए पार्टी एकजुट होकर काम करेगी। वहीं पर्यवेक्षकों ने कहा कि मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है और सभी लोग कांग्रेस पार्टी को आगे आने वाले चुनावों के लिए पार्टी को मजबूत करेंगे। वी आर वेरी सॉरी दैट वी लॉस्ट ए राज्यसभा सीट, ए वेरी सीनियर लीडर ऑफ द पार्टी एंड द कंट्री। वी फुली टेक अप द रिस्पांसिबिलिटी, द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैज टेक अप द रिस्पांसिबिलिटी। सो आई एम वेरी सॉरी दैट on behalf of the workers of this country was watching this Himachal Pradesh Raj Sabha election. So in this Raj Sabha election we lost a very senior leader and I think our honorable chief minister accepted that some failure has happened, but it will not continue further. We have spoken to all the MLAs personally. We have spoken to the PCC president, we have spoken to the chief minister. Still one round of discussion also will happen later. So all of them have sorted out all their differences. They will work together. They will see that in the Lok Sabha they come out with a good numbers. And there is no, we are forming a coordination committee between the party and the government, with 5 to 6 members, with PCC president, with chief minister, deputy CM, and other members. We will announce from the Delhi, the coordination committee, which should be formed between that. And all of them have assured, taken a oath, at any point of time, they will all work together to save the party and save the government. जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, पार्टी को बड़ा अफसोस है कि हमने एक बहुत सीट थी जो हमारी मानी जा रही थी पक्की, वो खोई। किन कारणों से खोई है वो सबको मालूम है और उनकी चर्चा भी हुई है। और इसके बाद आज हमने सबसे, चीफ मिनिस्टर से भी, पीसीसी प्रेसिडेंट से भी, सारे विधायकों से भी अलग अलग बात करी है और एक सहमति बनी है सब में। सब में जो छोटे मोटे मतभेद थे वो दूर किए गए हैं, इन्होंने आपस में दूर कर लिए हैं और ये फैसला किया है आगे से एक होकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और पार्टी को यहाँ से जिता के भेजेंगे। इन बातों के साथ साथ ये भी हुआ है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी 6 मेंबरों की, उसमें पीसीसी प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर व अन्य मेंबरों को जो है दिल्ली से जो अनाउंस किया जाएगा। ये आज फैसला हुआ है, यहाँ हमने यहाँ पर इस बात का लिए फैसला किया। मुख्य तौर पे यही बातें रहेगा, आपस में सहमति बनाना, कोऑर्डिनेशन करना। और ये भी फैसला हुआ है कि भाई कोई भी विधायक और ये अपना पीसीसी या जो हमारे पदाधिकारी हैं पीसीसी के, कोई भी पार्टी के बारे में अंदरूनी बात के लिए या सरकार के बारे में कोई प्रेस में नहीं जाएंगे। दिस इज बैड न्यूज फॉर यू, यू विल नॉट गेट एनी न्यूज। 5 years there will be a Congress government under our honorable chief minister Sukur sitting adjacent to me. BJP, it is not BJP MLAs, Congress MLAs at the floor of the house, on the floor of the house it has taken, on the eyes of the speaker, on the eyes of your camera, everything has been done. It is a speaker decision. We don't want to interfere with the speaker decision, whatever has been happened. As a parliamentary affairs and a chief whip, he has filed the objection. The law is within the hands. We don't want to intervene with the law of the land and the decision of the speaker. खेद है इस बात का कि हम राज्यसभा की सीट को नहीं जिता पाए। एक बहुत ही eminent lawyer देश के number या 2 या 3 पर जो आते थे उनको यहाँ से candidate बनाकर हमने field में उतारा था, उसमें हम सफलता हासिल नहीं कर सके, उस बात का हमको सबको बहुत खेद है। अब अगली चुनौती हमारे पास लोकसभा के चुनाव है, उसमें हमें सब एकजुट होकर पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनका मनोबल बढ़ाकर हमने
इन सीटों को जीतना है, उसमें हमने आज से ही वर्किंग शुरू कर देनी है। वैसे तो हम कर ही रहे हैं, फील्ड में जाकर ये संदेश दे ही रहे हैं, पर मुझे लगता है कि फिर भी हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, जो हम करेंगे और अंततः इन चारों सीटों में विजय हासिल करें। प्रतिभा जी, क्या पार्टी अभी मजबूत स्थिति में, अगर अभी की बात करें तो? पार्टी पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है, और जो कुछ छोटी मोटी बातें थी वो हमने बैठ के सॉर्ट आउट कर ली। आपने जो इश्यूज रेज किए थे कई सारे पार्टी हाईकमान के सामने, वो इश्यूज के एड्रेस हो गए हैं? वो मैंने इनसे बात की है कि वो ये आप लोग बार बार प्रश्न पूछते हैं, हम चाहते हैं कि तालमेल बनाने की बात जो मैंने कही थी कि संगठन में और सरकार में एक तालमेल होना चाहिए, जिसके लिए अभी आपको हुड्डा जी ने बताया कि हमने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है, उसमें सीनियर लोग होंगे और जो भी हम आपस में तालमेल बनाने का प्रयास करेंगे ताकि हम उन इश्यूज को एड्रेस करें। मैम, इसके लिए आप सेटिस्फाई हो कमेटी, एंड डू यू थिंक योर इश्यूज वुड बी एड्रेस्ड आफ्टर दिस? अभी तो वो कमेटी, इन्होंने कहा ना कि हाई कमांड उसको अनाउंस करेगी, जब वो बन जाएगी कमेटी फिर देखा जाएगा, जो हमारे इश्यूज होंगे या कोई प्रॉब्लम्स होगी वो हम उनके सामने रेज करेंगे और उसको जल्दी सरकार ने सॉर्ट आउट करनी तो सरकार सॉर्ट आउट करेगी, और अगर पार्टी ने उसमें फैसला लेना है तो पार्टी उस पर। क्या विक्रमादित्य जी ने जो रेजिग्नेशन दिया था उसका क्या? He has already withdrawn the resignation. He is working here. He will be attending the cabinet. Very young matter man. Matter ended yesterday only. Okay, thank you. मैं ये कहना चाहता हूँ। सर क्या कहेंगे आप? राज्यसभा इलेक्शंस के बाद जो कि टाई हुआ, जिसमें पर्ची जो खुली हो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की खुली, उसके बाद अटकलें लगने लगी कि सरकार गिर रही है, सरकार जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार के तंत्र का प्रयोग किया वो सबके सामने है। हिमाचल की संस्कृति में इस प्रकार पहले कभी नहीं देखा गया। और दूसरी बात कि सरकार का सेशन चल रहा था, और जब सरकार का सेशन चल रहा था तो हमारा बजट फाइनेंशियल में पास होना था। उस समय मेरे सामने एक न्यूज़ आई जिसका कि मैं खंडन खुन नहीं करना चाहता, मुझे पता भी नहीं था, मैं तो ऊपर अपने चैम्बर में बैठा हुआ था, कि मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। अब पता नहीं कहाँ से ये न्यूज़ आई, अगर मेरे को इस्तीफा देने के लिए बोला होता तो फिर हाईकमांड का कोई लीडर बोलता तब तो बात थी, पर वो न्यूज़ चली, फिर मैंने उसका खंडन किया। वो एक षड्यंत्र के तहत न्यूज़ चल रही थी ताकि जब हमारा फाइनेंशियल वोटिंग हो उस समय हमारे संख्या कम हो जाए। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी किस मेजोरिटी की बात कर रही है? 25 उनके विधायक हैं, राज्यसभा में विप लागू नहीं होता जिन 6 विधायकों ने वोट क्रॉस किया, 3 आजाद विधायक बीजेपी की विचारधारा से आते हैं, उन्होंने उनको वोट डालना तो हमें पता था, और जब हमारी वोटिंग हुई पूरा हल्ला किया उन्होंने, पहले तो मार्शल को गले से पकड़ा, किसी ना किसी तरह सत्ता की भूख उनको लड़ाई और झगड़े करने पर उतारू थी, CRPF आईया, हरियाणा पुलिस आईया, उनके हेलीकॉप्टर पूरे दिन यहाँ मंडराते रहे, विधानसभा का गेट तोड़ा उन्होंने, और उसके बाद देखिए हमने सिर्फ 15 विधायक को निष्कासित किया जो उनका मिसबिहेवियर था मार्शल के साथ, उन्होंने बदतमीजी की, फिर उसके बाद स्पीकर का फैसला था, हमने रेजोल्यूशन मूव किया, स्पीकर ने स्वीकार किया। उसके बाद जो 9 विधायक थे जिसमें 6 कांग्रेस के बागी विधायक थे और 3 थे, उनको तो किसी ने निष्कासित नहीं किया जाए, उनको तो अंदर बैठ के विरोध करना चाहता, और उन 6 विधायक तो अभी उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन भी नहीं हुई थी, वो अंदर आ जाते तो डिस्क्वालिफिकेशन से भी बच जाते, वो क्यों नहीं आए? उनको डर था क्योंकि वो चुरा कर विधायक लेकर अभी भी हरियाणा में ठहरे हुए। हिमाचल की जनता को ये विधायक नहीं फेस कर पाएंगे, ये मैं आज आपको कहना चाहता हूँ। हमने ईमानदारी से सरकार चलाई है, हमने लोगों की समस्याओं का जब से निपटारा करना शुरू किया है, ये लोग किसी न किसी राजनीतिक षड्यंत्र से कांग्रेस की सरकार को गिराने का दायित्व कर रहे हैं। मैं आज फिर भी कहता हूँ, हम निश्चित तौर पर हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में है, और 5 साल हम हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार चलेगी। आप लोगों की सरकार है, जनता की सरकार है ये,
इसमें हम कोई दूसरी बात नहीं कहना चाहते। और मैं ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार की अच्छी राजनीति का परिचय वो दे रहे हैं, ना मेजोरिटी है ना वो कुछ है, वो सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उस प्रकार का जनता जवाब देगी। विधायक तो चले गए, जनता के वोट से जो विधायक चुनकर आता है और उसके बाद बिक जाता है, तो जनता की उस क्षेत्र की जनता उनका फैसला आने वाले समय में जरूर करेगी। मेरा सवाल रह गया, जो अगर गलती की है हमारे छोटे भाई है, कुछ बड़े भी बड़ा भी होगा कोई, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि गलती भी माफ़ की जा सकती है। आप अगर आना चाहते हैं कांग्रेस की विचारधारा से, जहाँ आपका हमेशा स्वागत है, मैंने इस बारे में मैं तो चाहूँगा, पर उनकी तो टेलीफोन भी नहीं लिए जा रहे, पता ही नहीं लग रहा कि कहाँ है, उनके टेलीफोन नहीं लिए गए। उनके हमारे उनकी पत्नियाँ बात उन देखिए, उसमें से दो विधायक की वाइफ्स मेरे घर में आए, मुझसे मिले। आपको नहीं लगता ये इंटेलिजेंस फेलियर भी है कि देखिए कहीं ना कहीं हमारा ये आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि हम शराफत में ज्यादा रहे, और सबने सबसे पहले बता दिया जो वहाँ हुआ है और जिम्मेवारी मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ले ली, और ये राज्यसभा का इलेक्शन में महामारी मेरी अपनी भी कमी रही पर इंटेलिजेंस की भी कमी रही इसमें। ही हैज टेकन द रिस्पांसिबिलिटी आई सेड यू स्ट्रेट, एट द सेम टाइम डिसिप्लिन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन द पार्टी। First, the priority of this party is discipline. Priority of this government is discipline. All will be with united. They will work unitedly.